कहा जाता है कि किसी का भी अच्छा या फिर बुरा वक्त बताकर नहीं आता है। अचानक से पूरे जीवन को अस्तव्यस्त करके रख देता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरा वक्त शुरू होने से पहले कोई न कोई संकेत जरूर मिलते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं। दैनिक जीवन में कोई न कोई संकेत जरूर मिलता है, जो भविष्य में आने वाले बुरे वक्त की ओर इशारा करते हैं। आइए जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार वह कौन से संकेत हैं जो अशुभ माने जाते हैं। अगर आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं और अचानक से आपकी पूजा की थाली गिर जाए, तो इसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये संकेत आने वाले बुरे वक्त का एक संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही देवी देवता से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। तुलसी का सूख जाना, घर में लगी हरी भरी तुलसी अचानक सूखने लगे तो समझ लें कि बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि तुलसी का अचानक से सूखना अशुभ माना जाता है। घर में चमगादड़ का दिखना, अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना एक ही जगह पर चमगादड़ का जमावड़ा लग रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा हो रहा है, जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सोने से बनी चीजें खोना, बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि सोना का गिरना अशुभ माना जाता है, क्योंकि सोना और इससे बने हुए आभूषण घर में संपन्नता लाते हैं। ऐसे में अगर सोना खो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। घी का गिरना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हाथ से घी गिर जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। ये एक इशारा होता है कि आने वाले समय में कुछ अशुभ होने वाला है। कुत्ते का रोना, अगर आपके घर या फिर आसपास का कुत्ता अचानक बिना कारण रोने लगे तो समझ लें कि आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।